वल्लभ नगर और धरियावत सीट के उपचुनाव को लेकर नामांकन के एक दिन पहले पार्टियों ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया लेकिन प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही बगावत के सुर भी तेज दिखे 30 अक्टूबर को होने जा रहे मतदान में कांग्रेस ने इस बार बहुत सोच समझ कर टिकट दिए हैं। वल्लभ नगर में पार्टी ने दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत को मैदान में उतार कर सहानुभूति का कार्ड खेला है यहाँ से भाजपा ने हिम्मत सिंह झाला को टिकट दिया है जिसके बाद रणधीर भिंडर ने अपना और पत्नी का निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया तो उधर उदयलाल डांगी ने भी बगावत करते हुए भाजपा के सामने चुनौती की दीवार खड़ी कर दी हालांकि इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति शक्तावत को उनके परिवार से ही देवेंद्र शक्तावत ने चुनौती देने का ऐलान किया है लेकिन इस बीच पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का दम्भ भरा है ल्लभ नगर में बगावत की चुनौती को झेल रही भाजपा के लिए धरियावत में भी चुनौती कम नहीं है इस सीट पर दिवंगत विधायक गौतम मीणा के पुत्र कन्हैयालाल मीणा ने बगावत करते हुए ताल ठोक दी है। भाजपा ने खेत सिंह मीणा को चुनावी मैदान में उतारा तो उधर कांग्रेस ने नगराज मीणा को प्रत्याशी बनाया है पिछले दो चुनाव हार चुके नगराज मीणा पहले दो बार विधायक भी रह चुके हैं ऐसे में पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया माना जा रहा है कि भाजपा में इन दोनों सीटों पर मेवाड़ के नेता गुलाबचंद कटारिया की चली है तो उधर कांग्रेस ने जीत के समीकरण को देखते हुए टिकट दिए हैं दो सीटों के उपचुनाव भाजपा के बजाय कांग्रेस के लिए आंकड़ों के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से पहले के चुनाव की तर्ज पर कमान को संभाला तो उधर भाजपा भी अब बागियों को मनाने के साथ जीत के समीकरण बैठाने में जुटी है कांग्रेस और भाजपा के दिग्गज विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर राजनीतिक गोटियां बैठाने में जुट गए हैं सीएम गहलोत खुद एक एक चीज पर निगाहें बनाए हुए हैं अब देखना है कि दो सीटों का चुनाव के नतीजे क्या होते हैं ब्यूरो रिपोर्ट जन टीवी आप देख रहे हैं खास खबर खास खबर में बात करेंगे राजस्थान के उपचुनाव के रण की दो विधानसभा के बाय के लिए पत्ते खोल दिए गए हैं लेकिन दोनों ही तरफ बगावतियों ने भी अपने पैतरे दिखा दिए हैं 8 तारीख तक नामांकन और उसके बाद में स्क्रूटनी वापस लेने का समय बचेगा लेकिन दोनों ही तरफ यह कहें कि चौसर जो जमेगी अगर ये निर्दले के रूप में बाकी रहते हैं तो वल्लभ नगर में तो साफ है कि भिंडर अपनी पत्नी के साथ नामांकन कर दिया है उन्होंने बीजेपी कांग्रेस को अपना नामांकन करना है कैंडिडेट तय कर दिए हैं कांग्रेस ने एक बार फिर वल्लभ नगर में सहानुभूति का कार्ड फेंका है कितनी सफल हो पाएगी प्रयोग इस वजह से किया कांग्रेस ने कि हाल ही में सुजानगढ़ और जो दूसरी राजसमंद की सीट पे और एक सहाड़ा तीनों जगह बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी दिवंगत परिवार के या उनके परिजनों को दिया और उसमें सफल भी हुए लेकिन कांग्रेस ने यहां थोड़ा सा माफ बीजेपी ने जो गौतम लाल मीणावत से रहे उनके बेटे की जगह दूसरे पे दाव खेला है खेत सिंह मीणा पे अब वो कितने सफल हो पाएंगे ये देखने वाली बात होगी मुकाबला रोचक होगा इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि बाई इलेक्शन है कार्यकर्ता दोनों पार्टियों के पास में पूरी तरह से कहें कि कार्यकर्ताओं की फौज है कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं टिकट की भी अगर बात करें तो नगराज मीणा को जो टिकट दिया है हालांकि वो दो चुनाव हार चुके और दो बार विधायक रहे हैं लेकिन फिर भी उनपे दाव खेला है तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे और क्या मायने इन टिकटों के क्या बागियों को मनाने में कामयाब हो पाएंगे राजनीतिक दल ये कुछ ऐसी चीजें जिसको लेके चर्चा करेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी हमारे साथ हैं भाजपा नेता आशीष चतुर्वेदी साहब हमारे साथ हैं श्याम जी क्या कुछ दोनों पार्टियां कामयाब हो पाएंगी को बैठाने में क्योंकि यह सवाल इस वजह से उठ रहा है कि चलिए भिंडर है वो तो पहले ताल ठोक चुके थे कि जनता सेना के बैनर पर मुझे चुनाव लड़ना है बीजेपी टिकट दे चाहे ना दे और जब कोर कमेटी की बैठक हुई थी और गुलाबचंद कटारिया नाराज होकर निकल गए थे लेकिन यह भी सुना है कि कटारिया जिस पुष्कर डांगी पे दाव खेलना चाहते थे उन्हें भी टिकट नहीं मिला तो ऐसे में बगावत तय है वहां पे देखिए योगेंद्र जी ये बात सही है जिस प्रकार का माहौल शुरू से देखने को मिल रहा था बीजेपी में मैं ये तो माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे जी को भी साइड लाइन करके बाहर निकाल इस चुनाव में तो उनके दोनों ही कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया है तो पार्टी ने नई गाइडलाइन तय की है कि भाई हम अपने तरीके से पार्टी को चलाना चाहते हैं वसुंधरा जी के दिशा निर्देश उन चीजों को नहीं मानेंगे लेकिन जहां पर अगर बात करें कि गुलाबचंद कटारिया जिनको दिलाना चाहते थे टिकट उनको भी नहीं दिया तो अब ये बात सही आ रही है कि क्या जो नई पीढ़ी आ रही है जिसके हाथ में नेतृत्व तो है क्या उसके कहने से सब कुछ निर्णय हो रहे हैं एक अलग चीज है कांग्रेस में भी यदि देखा जाए तो कांग्रेस में भी जिस प्रकार से ये देखा जा रहा था कि सहानुभूति की लहर का फायदा निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी उठाएंगे <coughs> उनकी देखिएगा गुलाब गजेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी मुख्यमंत्री जी से मिलने भी आई थी और निर्णय उनके पक्ष में गया और उन्होंने दे दिया और ये भी बात है कि उन्होंने अपने दो बार चुनाव हार चुके ए, उसको भी दिया है देरियाबाद में तो कांग्रेस जरास देखिए कांग्रेस निश्चित रूप से सत्ता का सदुपयोग करेगी और उससे पहले उन्होंने जितने विकास काम और जो वहां के कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने का काम जिस प्रकार से शासन में किया जाता है वो हुआ है लेकिन ए, ए, उनके अगर बल्लभनगर सीट की बात करें तो भाजपा में भी बगावत का सुर है तो कांग्रेस में भी बगावत स्थिति बनी हुई है देवेंद्र सिंह जी लगाते नहीं करते है है लगा तो तो मुख्यमंत्री जी हाथ रख देंगे कंधे पे कहेंगे कि आपको बहुत कुछ दे सकते हैं कुछ भी मिल सकता है तो वो मैदान छोड़ भी सकते हैं तो ये बात सही है कि के की मतलब नगर में कांग्रेस की स्थिति थोड़ी मजबूत दिख रही है लेकिन बगावत के सुर देखने से भाजपा में जो कुछ देखने को मिल रहा है अब वो कितना आगे हो पाएगा लेकिन पहले मान के जा रहे थे कि हम धरियाबाद तो जीत लेंगे बीजेपी और कांग्रेस तो लेकिन अब वहां पे भी इन्होंने जिसको टिकट दिया जाना चाहिए था अब उनका बेटा आ जाना नॉमिनेशन कर दिया है उन्होंने तो बगावत है लेकिन ये बात भी सही कि भाजपा क्योंकि केंद्र इतना पैसा नहीं देता है, इस कारण से हो सकता हो कि उन्होंने किन स्थानों से टिकट दिया हो ये तो बाद में खुलासा हो पाएगा तो ये बात सही जिस प्रकार का माहौल है ये देखने को मिलता है उपचुनाव में इतनी स्थिति तो खराब होती नहीं कि कोई की सरकार चली जाएगी या सरकार मिल जाएगी लेकिन ये बात सही है कि ये पार्टी में एक संदेश जाता है कि हमारी स्थिति पक्षधर है या नहीं है या उस क्षेत्र में हम आने वाले जो दो के विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें किस तरह की स्थिति रहने वाली जीतेंगे नहीं जीतेंगे हमारी सरकार के पक्ष में माहौल है या नहीं है ये सब चीजों का निर्णय उपचुनाव के माध्यम से होता है और उपचुनाव में Uh, कल uh, मुख्यमंत्री जी प्रभारी अजय माकन और सब मिलकर के टिकट uh, नामांकन कराने जाएंगे और अपने पक्ष में माहौल करने का कोशिश करेंगे भाजपा में तो अब uh, क्योंकि गुलाबचंद कटारिया को मना करके ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे लेकिन सतीश पूनिया सक्रिय भूमि का निभाने वाले हैं और वसुंधरा जी, जी इन, इस चुनाव से दूर रहने वाली ऐसा लगता है कि वो नहीं सक्रियता पहले वाले में भी नहीं आई थी इस वाले में भी नहीं लगता है कि वो लेकिन भाजपा की कोशिश होगी वो अपनी पुरानी सीट जो जरियाबाद है उसको जीते है किसी तरह से उसको उसके सतीश पूनिया पर ये दाग नहीं लगे कि देखो दोनों चुनाव हार गए तो दोनों में कस रहेगी और कार्यकर्ताओं को किस प्रकार का दो कर... याँ पे याँ पे, याँ पे ये बात है श्याम जी की अगर आप तीन बाई इलेक्शन की बात कर जिसके हाथ में जो सीट थी उस पार्टी ने वो हासिल कर ली ये नहीं कह सकते कि किसी ने कुछ खोया ये पार्टियों का बयान भी होता है कि हमारे पास में जो थी हमें मिल गई यहाँ लेकिन कन्हैया मीना पे सहानुभूति की आ, बात करें तो बीजेपी ने नहीं बुनाया वहां पे वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे यहाँ थोड़ा सा बीजेपी के लिए अब देखना होगा कि ये रिस्क क्यों ली है बीजेपी ने मैं लौटूंगा आपके पास में मैं सुरेश जी के पास में जाना चाहूंगा सुरेश जी देखिये अभी ये बात कह सकते हैं कि चलिए अगर बागी को चुनाव भी लड़ रहा है तो हमारे पास में वक्त है हमारी पार्टियों ने मना लेगी यही आशीष जी भी कह सकते हैं लेकिन मुकाबला बड़ा टफ होगा और भीतरी घात का खतरा दोनों पार्टियों को है उसकी वजह साफ है कि जिस तरह से कश्म कस की गई है पहली चुनौती तो आपके सामने यही होगी कि देवेंद्र सिंह सत्तावत को आप लोग मना पाते हैं कि नहीं मना पाते हैं उसी तरह से बीजेपी के सामने भी एक होगी चुनौती कि वो पुष्कर डांगी क्योंकि देखिए भिंडर पहले से ताल ठोक चुके हैं कि मुझे चुनाव लड़ना है पिछले बार नंबर टू पे रहे भी थे वो इसी तरह से बात अगर धरियावद की करें तो धरियावद में स्थिति वही है तो क्या लगता है आपको कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए या फिर यह तस्वीर अब बने, बनती दिखाई दे रही है देखो जी चुनाव उपचुनाव चुनाव है इस चुनाव से श्याम जी ठीक कह रहे थे कि कोई सरकार पे और सिस्टम पे फर्क नहीं पड़ेगा यह चुनाव बीजेपी ने पहले चुनाव लड़े तो बीजेपी कितने वोटों से चुनाव जीती हुई थी कितने वोट रह गए थे तो उनको पता है कि कांग्रेस के कितनी परसेंटेज वोट बढ़े थे और बीजेपी का कितने घटे थे वो तो नजदीक जाके चुनाव जीत गए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है जिस रूप में कोविड की व्यवस्था हो रही है केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है उसके बाद में भी राजस्थान में जिस रूप से काम चल रहा है और राजस्थान की सरकार जिस रूप से जनहित के काम कर रही है गरीब को गणेश मान के जो अशोक गहलोत जी काम कर रहे हैं उससे सीधा है तो तो कि जनता राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चल रही सरकार को स्वीकार रही है और जनता के आवाज बनके जनता के सुख दुख का हिस्सा बनके हमारी सरकार काम कर रही है मैं ये नहीं कहना चाहता कि कौन बागी खड़ा होगा अभी आज के दिन अभी नहीं खड़े हैं कौन बागी खड़ा होता है कौन बागी खड़ा नहीं होता है बिल्कुल वाजिब बात है कि बागी हमारी पार्टी में से कोई खड़ा होगा तो वो सीट गजेंद्र जी के जिस रूप में आज ये चुनाव इस ये एक अनोनी कहेंगे ये चुनाव होना ही नहीं चाहिए था बल्लभ नगर में लेकिन बीमारी किसी को रोक नहीं सकती बीमारी एक ऐसी महामारी थी उस महामारी के हमारे विधायक भी शिकार हुए लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि गुलाब सिंह सक्तावत जी के टाइम से ही वो सीट कांग्रेस में है गुलाब सिंह जी लड़े उसके बाद में उनके पुत्र गजेंद्र सिंह जी लड़े और आज गजेंद्र सिंह जी की पत्नी प्रीति को हमने उम्मीदवार बनाया और पिछले काफी समय से उनके कहने से उनके जो हमारी पार्टी हमारे कांग्रेस के रूप में वहां काम कर रही अब बीजेपी में जो फुटबॉल बची है मैं ये नहीं कह रहा हूँ इनका इंटरन मामला है लेकिन हम तो आप ही के माध्यम से आप ही के चैनलों से आप ही के अखबारों में जो संवाददाता आप लिखते हैं उन्हीं से देखते हैं कि आज ये निर्णय हो गया आज ये वसुंधरा जी के कहने से निर्णय हो रहा है दोनों तो वसुंधरा जी आ गई है मीटिंग में आ गई है अब सब कुछ ठीक हो गया मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अपडेट तो रखते हैं नहीं मैं ये कह रहा हूं कि वसुंधरा जी का जिस रूप में भाजपा में अनादर हो रहा है वो तो दो बार बार क्या क्या फर्क फर्क पड़ेगा तो उसका पड़ेगा उसका चुनाव पे एक बताइए मुझे ये बार है वसुंद्रा दे, दे वसुंद्रा ये वसुंधरा जी अनादर से कांग्रेस का बहुत चिंता है वसुंधरा जी की नहीं नहीं हमारे को वो नहीं होनी चाहिए पूर्व मुख्यमंत्री भाई वो राजस्थान में नेतृत्व दिया उन्होंने राजस्थान में सरकार चलाई है उन्होंने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी में बीजेपी को चिंता होनी चाहिए मुख्यमंत्री जी सरकार जो चलाते हैं वो सरकार के मुखिया हैं सरकार अपन कहते हैं कांग्रेस और बीजेपी लेकिन वो तो मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान के मुखिया आज भारत के प्रधानमंत्री जी है वो अकेले भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है देश के प्रधानमंत्री है वो भाजपा के विचारधारा रखते हैं तो वसुंधरा जी बीजेपी के विचारधारा रखते हैं लेकिन वसुंधरा जी ने जिस रूप में राजस्थान में काम किया और फिर भी मैं उनका अनादर करें हम ये कब करें लेकिन जिस रूप में राम के लिए कटारिया जी बोले महाराणा प्रताप के लिए कटारिया जी अभी बोले स्टैंड करेगा जाएंगा क्या ये मुद्दा अभी स्टैंड करेगा क्या करेगा 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 तो मैं लौटूंगा लौटूंगा आशीष जी के पास जाना चाहूंगा आशीष जी आशी बगावत आपके यहाँ पे भी है ये माना जा रहा था कि भिंडर या उनकी पत्नी को टिकट दे दिया जाए लेकिन ये सब कुछ बैठा नहीं और जैसे ही कोर कमेटी की बैठक के तेवर देखे उसके बाद उन्होंने मान लिया कि टिकट मिलेगा नहीं और नामांकन भी कर दिया यहाँ बात केवल एक जगह की नहीं है दोनों जगह आपको बगावत का सामना करना पड़ेगा पुष्कर डांगी भी और कन्हैयालाल ने भी नामांकन कर दिया है कन्हैयालाल को तो यह लगता था कि शायद उनको सिंपैथी मिल सकती है उनके पिता वहां से विधायक थे तो बीजेपी अभी टिकट के साथ साथ एक बार फिर बागियों से भी जूझना पड़ेगा योगेंद्र जी मैं दो तीन बातें रखना चाह रहा था बिल्कुल रखिए देखिए मैं सुरेश जी को अभी सुन रहा था सुरेश जी ने बहुत चिंता की है और हमारे जो मुख्यमंत्री रही हैं वसुंधरा राजे जी उनके कामकाज की तारीफ भी की है ये बहुत अच्छी बात है तो सुरेश जी भी मान रहे हैं कि वसुंधरा जी एक लोकप्रिय नेता है हमारी पार्टी के वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है और पारिवारिक कारणों से उनकी थोड़ी सक्रियता कम हुई है लेकिन वो निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से संपर्क में हैं अभी जो कोर कमेटी की जो जयपुर में बैठक हुई थी उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया वो मतलब अपनी बीमार बहू को छोड़ करके पुत्र को छोड़ करके जयपुर भी आई मीटिंग में हिस्सा लिया अपनी राय व्यक्त की और चली गई तो ऐसा नहीं है वो सक्रिय हैं लेकिन पारिवारिक कारणों से वो ज्यादा अभी नहीं कर पा रही और ये अच्छी बात है तो हमको पूर्व मुख्यमंत्रियों की चिंता करनी चाहिए जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनकी भी हमको चिंता करनी चाहिए आप देखिए अभी दो दिन पहले एक घटनाक्रम होता है जहाँ पे राहुल गांधी जी और प्रियंका जी कांग्रेस की मुश्किल

तो तीनों बार सीएम बारीएम वेटिंग नहीं थे ये पहला उपचुनाव ऐसा हो रहा है जब उन्होंने स्वयं को अपना एक उम्मीदवार घोषित कर दिया है कि अब मुझे ही मुख्यमंत्री रहना है वर्तमान भी पूरा कार्यकाल पूरा करना है इसके बाद जब कांग्रेस जब जीत के आएगी तब भी उनको बनना है तो यह पहली बार ऐसा उपचुनाव हो रहा है जहां पे घोषित दावेदारी कांग्रेस की तरफ से है कि कांग्रेस में अगर सरकार रहेगी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी होंगे आप देख जैसे अभी सुरेश जी बोल रहे थे कि टीवी चैनल के माध्यम से हमको खबरें पता पड़ती है तो हम सब ने यहाँ पर श्याम जी भी बैठे हुए हैं वो भी मेरी बात से सहमत होंगे कि अभी बैंगलोर में जब पीसी करने गए थे सचिन पायलट जी तो उन्होंने बकायदा ऑन उन रिकॉर्ड एक स्टेटमेंट दिया है कि मंत्रिमंडल में क्या फेरबदल होगा प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा सीएम कौन होगा इसका फैसला अलाकामान करेगा अब लेकिन अशोक गहलोत जी पिछले कई दिनों से स्वयं कोई अलाकामान समझते हैं तो उन्होंने शायद फैसला कर लिया है कि उन्हीं को मुख्यमंत्री रहना है तो कांग्रेस की क्या स्थिति है ये सबको पता है और जहां तक अशोक गहलोत जी के कार्यकाल की चार बात कर रहे थे कोविड में इतना काम किया है भाई जी, जी आपके ते बीच ते में बोलना उचित नहीं समझ चे, रहा चे, था, चे, 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 लेकिन ये बहस बहस किस किस पे हो रही है? किस पे हो हो रही रही है? है? दोनों बात रहे हैं, जी ने ने, ने ने, में आपको रोकना चाहूंगा मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा की अभी आशीष जी भी जो कह रहे हैं और सुरेश जी ने जो चिंता जाहिर की इन इलेक्शन पे क्या असर होगा इनका कुछ असर होगा देखिए क्या क्यूँकी आदिवासी क्षेत्र में इलेक्शन है पूरा का पूरा और उधर उधर भी जातिगत आधार पर इलेक्शन हो रहा है तो निश्चित रूप से जातिगत आधार को मानकर भी दोनों पार्टियों ने टिकट दिया है केवल अब मुख्यमंत्री कौन होगा नहीं होगा यहाँ मुख्यमंत्री का ज्यादा फर्क होने वाला नहीं है लेकिन यहाँ सी जोशी जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए उनका कितना अच्छा रोल रहता है उसमें जीत हार का काफी देखने को मिलेगा आपने देखा कि, कि वो सीपी जोशी लगातार उस क्षेत्र में जा रहे हैं चाहे भले क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते वो सक्रिय रूप से ये तो नहीं कह सकते कि मैं कांग्रेस का प्रचार करने आ रहा हूँ लेकिन वो किसी तरह से आज भी वो एक वहां पर उन्होंने एम्बुलेंस भेंट की है तो कई चीजें उस क्षेत्र में अपने आप को सजीव बनाए रखना चाहते हैं और जिस प्रकार से फीडबैक हाईकमान ने उनसे लिया है और उसका नतीजा भी आपने को देखने को मिला टिकट देने में हो सकता है सीपी जोशी ने भी कोई राय प्रकट की हो जिसके कारण आपके सामने है लेकिन भाजपा में जिस प्रकार का माहौल पहली बार देखिए हिम्मत करके अगर चेंज किया है कि भाजपा में उस उम्मीदवार को उतारा है जो देखिए सहानुभूति की लहर इसका मतलब वो ये मान के चल रहे हैं कि हमारे विधायक का पुत्र इतना सक्षम नहीं कि सहानुभूति की लहर देखिए जीत जाएगा लेकिन कांग्रेस एक, एक और जानना चाहूंगा कि गुलाब चंद जी कटारिया जिसके लिए अड़ रहे थे यानी कि भिंडर का टिकट नहीं मिलना चाहिए तो रास्ता निकाला बीजेपी ने खेत सिंह खेत सिंह पे दाव खेल करके कि चलिए हिम्मत सिंह झाला पे दाव खेल करके कि चलिए ये भी नहीं तो ये भी नहीं हिम्मत सिंह झाला को टिकट दे दिया देखिये ये बराबर का संदेश बीजेपी ने देने का प्रयास किया ना तो हम विवादित व्यक्ति को नहीं खड़ा करेंगे ना वसुंधरा राजे को खड़ा करेंगे ना ही हम गुलाब चंद कटारिया को महत्व देंगे पार्टी ने जो तय किया है पार्टी ने निर्विवाद आदमी को लाके खड़ा किया है और वहां पर फिर देखिए वो एक और मैं जाना समय मैं कमेशम जी एक बात और जानना चाहूंगा सुरेश जी जिसका जिक्र कर रहे थे क्या अभी भी इन बाईल में महाना प्रताप का जिक्र हो पाएगा जिक्र तो होगा लेकिन क्या चुनाव में कहीं कुछ इसका असर होगा क्योंकि यह सवाल इस वजह से उठता है कि जब राजसमंद में चुनाव हो रहे थे आ, वहां बीजेपी की जो प्रत्याशी रही किरण महेश्वरी की पुत्री वो जीत भी गई वहां से तो क्या अब यहाँ पे कुछ रहेगा रोल या कटारिया जी की माफी के साथ ही मामला खत्म हो गया अभी कांग्रेस केवल से तूल दे रही है देखिए कांग्रेस को इसमें फायदा है इसलिए कांग्रेस उसको मुद्दा बनाना का प्रयास करेगी लेकिन बूथ मैनेजमेंट जिसका मजबूत होगा और सरकारी माध्यम से जो कुछ कर पाएगी सरकार और माहौल बनाने का प्रयास करेगी उसको उसका फायदा मिलने वाला है आप ये तो देखिए राजपूतों का वोट दोनों तरफ है दोनों सीटों पर राजपूत भी है और मीना भाई और रावत भी है जिस तरह से मिक्स वहां का माहौल है अब राजपूतों के को दोनों ने राजपूत को दि उतारा है तो भाजपा कांग्रेस ये तो कहने की स्थिति में नहीं है कि वो ये कह दे कि महाराणा प्रताप के कारण हम जीत जाएंगे तो बहुत सारी चीजें परिस्थितियां अनुकूल किस तरह बैठेगी रणदीप भिंडर कितना इनको प्रभावित करेगा बीजेपी को और बीजेपी को अगर यही होता है कि अगर ज्यादा ले गया तो हो सकता हो कि भिंडर भी वापस विधायक बन सकते हैं क्योंकि चार हजार से पहले गजेंद्र सिंह शेखावत जीते थे तो अब उनके पिता का और देवेंद्र सिंह का क्या रहेगा देवेंद्र सिंह कह रहे हैं है नई पार्टी बना लेंगे तो अलग अलग तरह का माहौल कुछ है क्योंकि जब चुनाव का पड़ाव अंतिम छोड़ पर जाएगा नाम वापसी हो जाएगा तो तरह का माहौल अभी थोड़ा इंतजार करने की जरूरत पड़ेगी चलिए मैं एक एक सवाल दोनों से लेना चाहूंगा समय कम है सुरेश जी आपके पास आना चाहूंगा मैं क्या आधार है ऐसा कांग्रेस का कि जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि हाँ बिल्कुल बाजी हमारे हाथ में है देखो तो योगेंद्र जी मैं कहना चाहूंगा कि जिस रूप में हमारी सरकार इस कोविड की बीमारी के अंदर भी जिस रूप में राजस्थान में कोविड की व्यवस्था की है है जिस जिस रूप रूप से राजस्थान में में जनहित की सरकार चल रही अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान में काम हो रहे हैं और पूरे पूरे इसके बाद में भी मैं ये कह रहा हूं कि अभी अभी इन्होंने कहा मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पूरे राजस्थान के हर उस जीवित कार्यकर्ता को सक्रिय कार्यकर्ता को वहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में बहुत वाकिफ है और कांग्रेस में ये चतुर्वेदी जी कुछ ही कहे राजस्थान हो चाहे पूरे भारत में हो हमारे हाईकमान की अवहेलना कभी होती ही नहीं है हाईकमान जो निर्णय करता है हाईकमान के मुताबिक हमारे निर्णय होते हैं और अशोक गहलोत जी तो ऐसा ऐसा लग लग रहा तो, लग रहा रहा है है कि जो मैं कह वसुंधरा तो तो वसुंधरा तो जी के तो वसुंधरा तो जी का सीधा सीधा कटारिया जी और वसुंधरा जी के कैंडिडेट को तो हटा तो के तीसरा दिया है ना ये कुछ नहीं मजबूरी है इनकी ये अपन चुनाव जैसे होगा वो देख लेंगे राजस्थान के अंदर जो हमने काम कर रहे हैं हमारी सरकार जिस रूप में जनहित का काम कर रहे हैं जी के, के नेतृत्व जी जी आशीष आपके पास में आना चाहूंगा दे, दे, एक तो कांग्रेस को लग रहा है कि मेवाड़ में अभी भी महाराणा प्रताप का जो मुद्दा है गुलाब चंद कटारिया के माफी मांगने के बाद भी स्टैंड करेगा क्योंकि ये संकेत इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तब भी और कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ तो भी प्रताप सिंह खाचरियावास भी दे चुके हैं रघु शर्मा भी दे चुके हैं तो ये एक तो इससे आपको जूझना पड़ेगा अभी और दूसरा बगावत की जो बात है और अगर मैं साथ ही बात करूं तो बीजेपी को आधार क्या रहेगा वोट जनता क्यों देगी बीजेपी को बात कर रहे थे तो बिजली की दरों में राजस्थान एक पर बना हुआ है ये जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है इससे सारी जनता प्रभावित होती है अपराधों की अगर हम बात करें भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें बेरोजगारी की बात करें ये सारे मुद्दे ऐसे है जो जनहित के मुद्दे और जनता त्रस्त है आप देखिए राजस्थान में पर, नकल लेने ले के लिए पटवारी नहीं है हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है तो ये सारे वो मुद्दे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी उठाएगी तो ये सारे मुद्दे हैं और मेवाड़ और, मेवाड़ में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है ये और महान प्रताप की बात अभी भी कांग्रेस के निशाने पे रहेगी देखिए

उनकी स्थितियां आपके सामने हैं कि अगर बारिश के रूप में बात करें कि दिवंगत जो रहे विधायक उनके तो प्रीति सत्तावत कामयाब हुई है टिकट लेने में आ, लेकिन धरियावद में बीजेपी ने रिस्क लिया है कन्हैया को टिकट नहीं देकर के और उन्होंने खेत सिंह पे दाव खेल खेत सिंह पे दाव खेला है अब वो देखना होगा कि कितना सफल हो पाते हैं और कितने नहीं हो पाते हैं लेकिन बागी हैं उन्हें दोनों पार्टियों को जूझना पड़ेगा अगर यही बागी टिके रहते हैं तो समय है अभी जल्दबाजी होगी कि बागी रहेंगे कि नहीं रहेंगे या फिर इन्हें मना लिया जाएगा बहुत सारी चीजें सामने आएंगी लेकिन फिलहाल तो देखेंगे कि नामांकन के बाद और उसके बाद स्क्रूटनी और नाम वापसी तक की तस्वीर क्या रहती है उसी दिन क्लियर होगा कि हाँ ये ये लोग मैदान में हैं और इससे चुनाव किस तरह से मन पाए इसका थोड़ा सा इंजार करना पड़ेगा फिलहाल हम टिकटों को लेकर के चर्चा कर रहे थे आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया खास खबर में इतना ही दीजिए इजाजत नमस्कार टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।